जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम संपूर्ण समर्पणम हो जाओ बाबा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, कोई नहीं कुछ है। जिसमें कल भी कहा बाबा ने, समर्पण का अर्थ ही है समीपता का अनुभव करो, स्नेह का अनुभव करो, संबंधों का अनुभव करो, शक्तियों का अनुभव करो, गुणों का अनुभव करो। यही हमारे ज्ञान का प्रत्यक्ष मीठा फल है, जो हम संगम पर खा सकते, ना आगे ना पीछे कोई। ये बड़ा मीठा फल है कि जो हम बाबा के कितना समीप है, हम बाबा के कितना नहीं पास है, हम बाबा के कितना नहीं सब संबंधों है, हम बाबा से कितनी शक्तियां का अनुभव करते हैं, ये अनुभव करते जाएंगे और कहां भी होंगे लगेगा मेरी बाबा रस्सी खींचता है, मुझे कोई खींच रहा है, हम किसी के खींच से यहाँ आए, लगेगा हर टाइम मुझे बाबा टच करता रहता, खींचता रहता और मुझे बाबा गाइड करता रहता, हिम्मत देता, साहस देता, शक्ति देता, सब अनुभव। और जब आप सब ऐसे अनुभव में रहेंगे ना, तो जो भी बाहर मुक्ता की बातें हैं, वे सुत है सहज बंद हो। ये कभी कभी जो बाहर मुक्ता खींचती है, उनका कारण ये है कि ये अनुभव नहीं करते। हम बाबा के इस अलौकिक पुरुषोत्तम युग में पहुंचे हैं, हमारी पढ़ाई निराली है, ज्ञान की एक एक पॉइंट हमारी निराली है। मनन करो, मथन करो तो दुनिया से, शास्त्रों से, आदि से कितनी हमारी एक एक पॉइंट निराली है। सारी निराली पॉइंट्स का कंट्रास्ट करो तो आपको ज्ञान और भक्ति का रात दिन का अंतर मालूम हो कि कितना बाबा ने एक एक पॉइंट का हमारी को गहरा राज समझाया। मनन करेंगे तो कितनी सहज हमें बाबा याद की यात्रा सिखा के और हमें अपने साथ उसी लगन में मगन रखा, लवलीन रहे। लवलीन एक ऐसी मीठी विधि है जो मैं कहती हूं सर्व पुरुषार्थों में सहज है युक्ति लवलीन रहने की। ओ बाबा तेरे लव में मैं हूं लीन, बल दिन भर बाहर कार्यक्रम रहता, बिजी रहता, परंतु फिर भी बाबा ने जो ये ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम दिया है, अमृत वेला का टाइम दिया है, क्लास का टाइम दिया है, रात को सोने का टाइम दिया है, उसी हर एक टाइम में भी अगर लवलीन रहेंगे तो अपनी ये विधियां आपको बहुत ये अनुभव कराएंगे। आप अनुभव करो क्या कि बाबा ये जो तेरे से वायदा है, बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बहलूं, तुम ही से दिल की हाल कहूं, तुम ही मेरा सब कुछ है, ये आप लोग को एक एक को बिल्कुल अनुभव होगा, ये अनुभव करना।
कहीं कहते हमें अनुभव नहीं होता कि बाबा से ही मैं बोल रही हूँ, बाबा से न बोल रही हूँ तो किसी तेरे से थोड़ी बोल रही हूँ। नहीं, बाबा कहा बस लगे मैं बाबा से बोल रही हूँ, बाबा मेरे परतख सामने मेरे साथ। जब हम ये कहती, कहीं कहते दादियां आप लोगों ने तो साकार में सामने देखा, हम कैसे कहूं। नहीं, अभी अव्यक्त वतन में और सहज है आप लोग को ये अनुभव करने का। बाबा ने ये कहा ही है कि मैं अव्यक्त हुआ ही हूं, अनेक अनेक बच्चों को यह अनुभव कराने कि देखो मैं कितना नहीं आप लोग के सामने परतख्य। परतख्यता का अनुभव है तो ये अव्यक्त वतन से होता है। ये नहीं सोचो साकार में नहीं किया तो अव्यक्त में कैसे करें। नहीं, आप अव्यक्त में भी और ज्यादा कर सकते, बाबा की इसी में बहुत बड़ी अनुभव मिलता। हम तो कई बार फारे नर्स विदेशियों का अनुभव सुनती, दूर बैठे भी वो बहुत ये अनुभव सुनाते कि कैसे बाबा हमें दूर बैठे भी अपना खींचता है, अनुभव कराता है और हमें मदद करता, शक्ति देता, उड़ाता, हमारी बुद्धि को बहुत बहुत प्योर बनाता। तो क्यों नहीं आप हम सब कर सकते। इसलिए बाबा वतन में नहीं है लेकिन हमारे नैनों में है। अरे बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें पलकों में छिपा के ले जाने वाला हूँ। वो पलकों में बाबा हमें छिपा रहा है और हमने बाबा को अपने पलकों में बिठाया। हमारे पलकों में बाबा है, हमारे नैनों में बाबा है, बाबा के नैनों में हम हर एक अपनी स्वयं डायरेक्ट बाबा से ये रुआरहान करो। लगेगा बाबा हमें कितना नहीं अंदर अखंड शक्ति प्यार देता। इसलिए इस बातों का अनुभव करो। इस अनुभव की युक्ति से आप में सहज सब बातों की परिवर्तन करें। ऐसा लगेगा कि बाबा रोज मेरे पास में वतन से आता है और मैं या मुझे वतन में ले जाता है। क्यों, हम सदी देखती ये कल्प का एक ही संगम है, जबकि सूक्ष्म वतन की सौगात यही हम बच्चों के लिए। दुनिया को मालूम नहीं है सूक्ष्म वतन क्या होता, न वो अनुभव करते, लेकिन इस सूक्ष्म वतन का अनुभव हम करते। क्यों, बाबा कहते ये सूक्ष्म वतन इसी समय ही तुम्हारे को विशेष पाठ है सैर करने का, वतन में जाने का और वतन में आने का। और उसी सूक्ष्म वतन में अब बाबा बैठा है, जहां बाबा के पास संदेशियां जाती है अथवा उसी वतन से बाबा आकर के हम बच्चों से समय प्रति समय मिलता है। अरे हम कितने लकी है, भगवान आए हमें सन्मुख मिले। जब तक हम ऊपर जावे तब तक ऊपर वाला हमारे पास आता, कम बात है उनके माँ बाप के हम डायरेक्ट सुनते, कम बात है, बहुत बड़ी ये बात है। बल आप बुद्धि से समझो, आप समझेंगे हम उनके चरित्र देखें। नहीं, ये सूक्ष्म की बात है, बुद्धि की लाइन क्लियर माना ही आप बाबा के चरित्रों का अनुभव। कोई भी रंग कर्म होगा बाबा कहते जिम्मेदार मैं हूं, मैं तुम्हारा, तुमने मेरे पर रखा है, मुझे जिम्मेदारी दिया है, मैं तेरा रंग कर्म भी राइट करा दू। ये कोई कम जिम्मेदारी है, तेरा राइट कर रंग कर्म भी मैं राइट करा दूंगा, तो बाकी क्या जिम्मेदारी चाहिए।
परंतु हाँ, जिम्मेदार बाबा है तो हमसे कोई रंग कर्म कराएंगे नहीं, अगर होगा भी तो भी बाबा राइट करा देगा। ये अनुभव तो हम तो अनेक करती कि कोई भी अगर कोई इत्तफाक कोई ऐसा रंग भी होगा, बाबा तुरंत उसको ऐसा मिरेकल करता जो खबर ही नहीं, बाबा कैसे उसको रंग को राइट करा दिया। ऐसे मिरेकल तो अनेक हम रोज देखते, वर्णन करूं तो दास्तान है। तो बाबा के ऐसे मिरेकल्स का आप हर एक अनुभव कर सकते। आपको बाबा ये तो अनेक अनुभव करते कि बाबा ने आकर के मुझे कितनी नहीं शक्ति दी और मेरी ऐसी सूक्ष्म हार्ट सर्जरी कर ली जो मेरा ओके हो गया, नया जन्म दे दिया, ये दिया, लाइट दिया, माइट दिया, अनेक अनुभव करते थे। तो इसके लिए आप लोग को चाहे धंधा है, चाहे दूरी है, चाहे सेवा है, बाबा टच करेगा आप लोग को। जैसे बाबा कहते ना, कई बार आप लोग किसी को दृष्टि भी देंगे तो आप नहीं, पर मैं बैठ के आपके द्वारा ऐसी दृष्टि दिलाऊंगा जो वो एकदम साक्षात्कार का अनुभव करेगा, कहता है ना। तो ये सभी है हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण योग। तो जितना योग लगाएंगे उतना ये प्रत्यक्ष प्रमाण पाएंगे। योग नहीं होगा तो प्रत्यक्ष फल नहीं। इसलिए आप लोग को अपने आप को इस योग की गहराई में जरूर ढेलना है, ढेलना है। ये विधि ही हमको सिद्धि देगी, इस विधि बिगर हमको सिद्धि मिलनी ही नहीं। अगर हम सर्व सिद्धियों का अनुभव करना चाहते तो ये साधना हमें जरूर रखनी चाहिए। जितना साधना करेंगे उतना सिद्धि मिलेगी, क्योंकि हम साधक हैं, हम सभी अभ्यासी हैं, हम सभी पुरुषार्थी हैं। हमारे लक्ष्य है हमें संपन्न बनना है, तो लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण भी है। इसके लिए थोड़े जरूर नियम रखने पड़ते। मिसला क्या नियम, समझो आज हमारी प्रकृति चंचल है, जरा सा ऐसी आदत को प्रकृति को परिवर्तन करना होगा। क्यों, ज्ञान में चंचलता चंचल स्वभाव राइट में। बाबा ये नहीं कहता कि कोई हठ योग है, कोई सीरियस रहो, कोई मोनी बाबा बनो, नहीं। ये भी नहीं कहता कि खूब हंसो, बाबा कहता है वो टह टह नहीं करते, जोर से हंसना वो बाबा को कम पसंद। हंसो, खुशी में रहो, क्यों नहीं, मौज में रहो, मौजों के नजारे हैं, क्यों नहीं हंसेंगे बहलेंगे, परंतु चंचलता नहीं। कई की प्रकृति चंचल होती, उठेंगे चलेंगे, ये सभी चंचलता की प्रकृतियां होती। बिना एक दूसरे को कोई थप्पड़ मारेगा, कोई यूं करेगा, वो ये सभी थोड़े बहुत। आखिर हम योगी, योगी की वृत्ति, योगी की प्रवृत्ति, योगी का बोल, योगी का व्यवहार और साधारण मनुष्यों का बोल, हमारा अंतर जरूर ये देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मंत्र है मन मनावा, मंत्र है अशरीरी भव, मंत्र है देय मानी भव, ये हमारे मंत्र है।